लोग ऐसे जगह पर आए हैं जहाँ पर सारे एडिक्टेड लोग होते हैं, जितने भी सारे यहाँ पे लोग देख सकते हो, आप लोग बैठे हुए हैं रास्ते में और पूरे एडिक्टेड है। अभी मैं ये फिलहाल बुरखा पहना हुआ हूँ और सही बताऊँ तो जो नेट है, नेट से क्लियरली दिख भी नहीं रहा यार, बस ऐसे जाली जाली ऐसा है। I told too many medias that I started a trend and I don't want to be the last one who just beautiful. Yes. Salam. Salam. He's the musician? Yeah, actually yes, he's a local and he just plays for the and just friendly with your friend. Yes, we are friend. And he plays for just common people, for everyone. Okay, like okay. This. Yes. वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। फिलहाल आज है गाइस तीसरा दिन हेरात में। एक्चुअली कल मैं था हादी भाई के साथ, जिनको मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, बट आज मेरे को हेरात में कुछ अलग करना था। और कुछ अलग अगर करना हो तो यहाँ पे जो लोकल होते हैं और जो यहाँ पे लोग गाइड करते हैं उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल मैंने आज एक्चुअली गाइड लिया हुआ है जो मेरे को हेरात दिखा रही है और इनको बहुत कुछ पता है सिटी के बारे में। तो मेरे को एक्चुअली यहाँ का हेरात का कल्चर ज़्यादा देखना था, कल्चर लोगों से ज़्यादा मिलना था, तो इसलिए मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा और वो अभी फ़िलहाल मेरे साथ है। सो टुडे आई एम विद फातिमा, शी इज़ माई गाइड टुडे एंड शी इज़ हेल्पिंग विद like helping me with exploring Herat. Hello guys, how are you? I hope you are healthy and wealthy all around the world, and I'm really happy and it's my pleasure to see Vishnu here. Thank yeah. you. तो अभी फिलहाल इनके साथ इनके एक फ्रेंड है अली, जो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर म्यूजिशियन है, तो ये यहाँ पर मेरे को लेके आई है इनका म्यूज़िक सुनने के लिए। तो ये अभी फ़िलहाल ही इज़ प्लेइंग पर्शियन सॉन्ग, राइट? तो अभी ये फ़िलहाल एक पर्शियन म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। I cannot understand anything, but the music is everything. तो ये है गाइस अली, आप लोगों ने अभी इनका म्यूज़िक सुना होगा, तो भले ही इन्होंने जो गाया मेरे को समझ नहीं आया, बट शायद ये म्यूज़िक की पावर है कि हम सभी ने इन्जॉय करा, आप लोगों ने भी इन्जॉय करा होगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग जिब्रेल मार्केट में आए हैं जो फ़िलहाल अभी हेरात में है। तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग काइंड ऑफ मसाला देख सकते हो, थोड़े बहुत लड़कियों के चीज़ें देख सकते हो और कपड़े वगैरह। तो ये है गाइस हेरात का मार्केट। तो आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू गाइस। तो अभी हमारे साथ और एक इनकी फ्रेंड है जिन्होंने हमको ज्वाइन कराए, तो हर नेम इज़ मीना एंड आई इंट्रोड्यूस हर बिफोर शी इज़ फातिमा। अगर मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊं गाइस, तो ये एक्चुअली हेरात में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये जो गाइड है यहाँ पर मेरी फातिमा, ये एक्चुअली अफगानिस्तान में फर्स्ट फीमेल गाइड है। आई एम जस्ट टेलिंग माय वीडियो दैट यू आर द फर्स्ट फीमेल गाइड इन अफगानिस्तान। यह तो आई थिंक यू आर क्वाइट पॉपुलर इन अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ देयर हैव बीन सम मीडिया हु हैव कवर्ड यू, राइट? Yeah, actually, not only in Afghanistan, but also there were some media in foreign countries, for example, like BBC, CNN. Right, they right. They covered my story, so I have to thank them. And also, you know, Krishna, you are the first Indian I have visited here, so it's nice. Wow, it's nice. Wow. Like, I think, yeah, probably after watching these videos, a lot of Indians would come to Afghanistan. And one more thing, she's just 23 years old. Thank you. Yeah, so काफी चीजें हैं जो जीरो टाइप्स है जो इन्होंने ब्रेक करा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उतना आसान नहीं है कि बीइंग ए फीमेल यू आर ए टूर गाइड, और काफ़ी सारे मैं इनसे वही पूछ रहा था कि कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा तुम्हारे लिए
कि अफगानिस्तान में आप गाइड कर रहे हो, ऊपर से तुम लड़की भी हो। There is Taliban era here and people would be attacked, they would be killed. Actually, if we just if I talk about that, it depends on the area that we are living. For example, if we are living in an area that there is no Talib here, so it would, the life of girls are better. But if we talk about the areas that there are Taliban living here, so they would just straightly kill if they see us like this. Like even girls? Yeah, even girls. Wow. We have to wear burqa here. We don't have to show our face to them. Right. If they see us like this, they will straightly, they will kill us. Yes. Because they are Taliban, you know. Yeah. They are very, just how can I say? Very strict with the rules. Yes, strict. तो यही मैं इनको पूछ रहा था अभी कि अभी तक मैं ज़्यादातर लड़कियों से मिला नहीं हूँ अफगानिस्तान में, तो इनसे पूछ रहा था कि मैं कैसा बीइंग ए गर्ल कैसा होता है अफगानिस्तान में, आप जब लड़की होते हो तब आप कैसे सिचुएशन को देखते हो। क्योंकि लड़कों से तो मैंने काफ़ी कुछ पूछा है, वो तो बोलते हैं यार काफ़ी डेंजरस है वगैरह, बट मेरे को लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना था। Okay. Salam. Salam Kurdi. I think also in Afghanistan we shouldn't shake hand with the girls, right? Yes. Yeah. यहाँ पर एक लोकल रिक्शा में जा रहे हैं हम लोग। Where are we going now? We are going to the city. City? Yes. And what do you call this kind of rickshaw? Saranj. Saranj? Yes. Okay. तो ये यहाँ पे लोकल रिक्शा है जहाँ से हम लोग अभी सिटी सेंटर जा रहे हैं। ऐसा रिक्शा मैंने ईरान में भी एक बार देखा था, शायद बंदर अब्बास में, नहीं तो शायद जब मैं वहाँ पे आइलैंड में गया था वहाँ पर भी मैंने ऐसा देखा था, बट अफगानिस्तान में पहली बार देख रहा हूँ। People who emigrated to Iran or Pakistan, when they return back to Afghanistan and they are addicted somehow with unknown reasons. Maybe when they went to Iran they couldn't find job, and they came here they couldn't find job because of economical problems, mental problems and psychological problems and many other problems. They just entered to the world of addiction. And what kind of addiction they are in, like hashish? Actually they are junk food. Oh. Things like cocaine. Cocaine, yeah. Yes, I don't know the names. because there are lots of cardiac the name. Yeah. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे जगह पर आए हैं जहाँ पर सारे एडिक्टेड लोग होते हैं, जितने भी सारे यहाँ पे लोग देख सकते हो आप लोग बैठे हुए रास्ते में और पूरे एडिक्टेड है। ये मेरी गाइड बोल रही है, अलग अलग तरीके के चीज़ें ये लोग कंज्यूम करते हैं, इनको खुद नहीं पता क्या क्या कंज्यूम करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो रास्ते में ये सारे लोग एडिक्टेड हैं। सो दिस गाइस लिव हियर ओनली, लाइक दे डोंट हैव होम्स, होमलेस पीपल, दे आर होमलेस पीपल, इवन इफ दे हैव होम देयर फैमिली डू नॉट लेट गो होम बिकॉज़ यू नो दे आर एडिक्टेड एंड दे विल कॉज देयर अदर फैमिली मेंबर्स एडिक्टेड। और एक चीज अगर मैं बताऊं, हेरात में बहुत ज्यादा गरीबी है गाइस, और यही गरीबी के कारण हेरात में काफी ज्यादा चोरी होती है, काफी ज्यादा डकैती होती है, और इसलिए लोग बोलते हैं कि हेरात अफगानिस्तान में ऐसा सिटी है जहाँ पर तालिबान से ज़्यादा आप लोग को चोरी का डर होता है। यहाँ के चोर ऐसे होते हैं कि वो बस आएंगे रात के टाइम पर आएंगे या फिर कभी भी आएंगे और आपके सर पर राइफल रखेंगे और बोलेंगे जो है दे दो, और ये बहुत नॉर्मल है। और लोकल लोग भी डरते हैं इस चीज़ से कि क्या पता कभी कुछ हो जाए। तो अभी गाइज हम लोग एक लोकल मार्केट में यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग एक शॉप में आए जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ हैट्स ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये उज़्बेक जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो लोग पहनते हैं, एंड ये पकोल है। तो ये है दूसरा काइंड ऑफ हैट जो हज़ारा जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पहनते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग किस्म का हैट पहनते हैं। ये
हम लोग एक लोकल बुरखा शॉप में आए हैं, जहाँ पर ये आप लोग ब्लू बुरखा देख सकते हो। ये अफगानिस्तान में काफ़ी लोगों को आपने पहनते हो देखा होगा, और जनरली जो पश्तून जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादा ये ऐसा बुरखा पहनते हैं। तो मेरे साथ जो फातिमा अभी गाइड वो अभी ट्राई कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये अभी हमको बताएंगे कि ये कैसा फील होता है। क्योंकि नॉर्मली हम जब लड़कियाँ हम सड़कों पर लड़कियों को देखते हैं तो वैसे पूछ तो नहीं सकते भाई कैसा लग रहा है, बट अभी ये फातिमा है तो अभी मैं पूछ रहा हूँ इनसे कैसा लगता है। सो हाउ इट फील्स फातिमा? ओके, वेरी हॉट। वेरी हॉट, लाइक लिटरली आई कैन नॉट सी एनीथिंग, यू नो, आई कांट इवन सी योर आईज, बट आई कैन सी यू। लाइक इज इट विजिबल? आई कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम दिस नेट। यस, एंड दिस इज जनरली Okay. This is one way, and this is, I think, the second way. Okay. But my second, so I guess. So this is generally worn by the Pashtuns. Yes, Tajik and Pashtun. Yes, some Tajik people are also Pashtun. They wear. Yeah. And if you don't mind, can I try this once? Do you want to try? Is it possible? Yeah, surely it is possible. And you see? Yeah, this is how you wear. Yes, this is the way you. Now nobody can tell whether I'm a girl or a boy. Yes, now you are an Afghan lady. Guys, अभी मैं ये फिलहाल बुरखा पहना हुआ हूँ, और सही बताऊँ तो जो नेट है, नेट से क्लियरली दिख भी नहीं रहा यार, बस ऐसे जाली जाली ऐसा है, और मुझे पता नहीं यार ये कैसे पहनते हैं लोग, बट काफ़ी गर्मी लग रही है। You said it right, like it's very hot inside. Yes, it's very hot. सलाम बच्चा खूबी? सुबह यहाँ पर लोग थोड़े बहुत लोकल्स यहाँ पे कंचे ऐसा कुछ खेल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोकल गेम है, बट यहाँ पे इनका कंचा काफ़ी बड़ा है यार, इतना बड़ा बॉल जैसा है यहाँ पर। सो कैन यू जस्ट आस्क देम व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेम? तिशलाबाजी। ओके, तो इसको तिशलाबाजी बोलते हैं, और काफ़ी हद तक मेरे को अपने कंचे ऐसा लग रहा है जब हम लोग कंचे खेलते थे, बट इनका कंचा देखो यार काफ़ी बड़ा है, ये देखो आप लोग, बॉल जैसा कंचा है यार। You know in India what we call this game? What? Kancha. 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 Which name is Mishakin Distan? Mana mujhe sani? Mind. Salam. Tarjuma kar. Yeah, our neighbor, he's been coming. Salam. Salam. Which name is in the sun? Salam. Mujhe khush, I'm happy from you. Yeah. Are you fine? Yeah. Welcome. Oh guys, अभी हम लोग फिलहाल मार्केट से होने के बाद ये जो मीना है, मीना के घर पर आए हम लोग, इन्होंने मेरे को इनवाइट करा यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल ये ज़ाफ़रान टी जो मैं आप लोग का हर अफगानी घर में दिखाता हूँ, तो हर जब भी कोई गेस्ट आता है अफगानिस्तान के, मतलब किसी के भी घर में, सबसे पहले वो लोग चाय ऑफर करते हैं। So, what is this food? Fatima, can you explain? Actually, this is Ashak. Okay. First, you know, they have the vegetables okay. here, and yeah. also they have somehow butter yeah. here. Yeah, I think this is the flour, right? Yeah, the flour. Yeah. So the way they do, they just cut the flour like that with a circle thing. Right. Something like that, for example. Yeah, this one. Yes, and then they put this vegetable into that. Yeah. Yes, and they fix that like that. जैसे मैंने आप लोग बताया कि यहाँ पर मैं लोकल के घर पर हूँ, तो यहाँ पर ये लोग एक लोकल डिश बना रहे हैं, तो मेरे को ये लोग दिखा रहे हैं कि बनाने का प्रोसीजर कैसा होता है। तो मेरे को काफ़ी हद तक ये मोमोज जैसा लग रहा है, हम मोमोज खाते हैं, बट टेस्ट करके देख, मतलब मैं बताता हूँ आपको कि कैसा होता है एक्चुअली ये एक्चुअल खाने में। सो इन इंडिया वी हैव समथिंग लाइक डम्पलिंग्स विच वी से एज मोमोज। ओके, अभी फ़िलहाल ये जो खाना है वो इन्होंने परोसा अभी, और आप लोग ये खाना देखो गाइस, भाई आई कांट बिलीव दिस, रियली आई एम टेलिंग यू। तो भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करी ये लोगों ने यहाँ पर, मैं शायद इनको शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मैं इनका इतना ज़्यादा। अराउंड कुछ 3-4 घंटों से ये लोग कंटिन्यूसली खाना बना रहे हैं, और ये आप लोग बस देख लो आप लोग खाना,
So this is Ash. Oshak. Oshak. Yes. Oshak. Tashakur. Tashakur. How to say thank you so much? Thank you, thank you, thank you. Tashakur khayli khayli ziyad. Khosh amadid. Khosh amadid. She says, welcome, most welcome. Yeah. It's our pleasure to serve you food. Thank you so much. Vishnu, how does it taste? I think it has spinach inside. You know spinach? No, it doesn't have a spinach. Something by the name of Gandana. But I think it's very different than what we eat in India. So, we eat momos in India. उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये. इसमें कुछ मेरे को पालक का स्वाद आ रहा है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं इसके अंदर है क्या, पर इसके अंदर फिलहाल तो ये बता रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स हैं. पर टेक्सचर जो है काफ़ी हद तक मेरे को जो अपन क्या बोलते हैं मोमोज जो खाते हैं वैसा आ रहा है, बट टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. और उसके साथ उन्होंने हमको यहाँ पे राजमा ऑफर करा है, तो ओशाक. यस, ओशाक. उसके साथ राजमा. एंड व्हाट डू यू कॉल दिस? लोबिया. Beans. Beans. We say beans this in too, yeah. Yes. In India we say this rajma. So it's a kind of dal in India. So ये देख सकते हो आप लोग, ये Afghani bread. और यहाँ पे सारे इनके family members जो हमारे साथ बैठ के अभी खा रहे हैं. क्योंकि मुझे पता था लड़कियों की ज़िंदगी अफ़गानिस्तान में बहुत डिफरेंट है, और मेरी हर दम यही ख्वाहिश रहती है कि मैं मेरे वीडियोस के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा पाऊं, इसीलिए डिनर करने के बाद मैंने फातिमा को थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे कि कैसी है ज़िंदगी अफ़गानिस्तान में बीइंग ए गर्ल. Comparing to the past is very better. It means it's of course it's better. For example, if you compare during the Taliban, a woman was not even allowed to go out of home. But now it's very much better. For example, at least we can go to outside and study. But of course, it depends on the area that we are living. For example, in some villages, women are not allowed to go out of home without permission of their husband. But here in cities like Herat, like Kabul, it's better. Yeah. Ladies are allowed, they go to out, they just educate, and they some of them are following their dreams. But at least we have families that when they still cannot they afford or let their children to follow their dreams. But at all it is hard to be a woman in Afghanistan. At all, because you know me as a tour guide when I'm working, so as you saw today, people were looking at me very strangely. Yeah. Even stranger than you. they just thought you are a man, but they was shocked somehow I'm a woman and how I'm walking with a man in one way. So it was strange for them. These eyes somehow annoy me. But these are not the barriers, these are not the boundaries that stop me from doing what I love to do. It means they have to accept me as and I just I told too many medias that I started a trend, and I don't want to be the last one who just beautiful. Yes. I want many guys to join you. Yeah, to join me. For example, Minok and in the future, inshallah. Anyone who is watching us, whether in India or any corner of the world, I want to tell them, women do matter. Women do matter. Please let them open their wings and fly whatever they want to do. They are human, they have some wishes, they have some wants, they also like to do something. Do not restrict them, do not limit them. They are also human, they are also creature of God. So there is a power beyond that created them. They are just I want to tell you, let them, you will see them the most wonderful creature in the world. Yeah. But the only thing is women do matter. Yeah. Let them go, let them follow their dreams, let them fly and let them do whatever they want.